हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटपटा सा नाश्ता जो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आने वाला है। मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई रोटियों का एक बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जो हर किसी को पसंद आएगा। अक्सर हमारे घर में रोटियाँ बच जाती है और समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तो चलिए आज हम ये रेसिपी बनाते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही ईजी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ ली है सूखी हुई रोटी। इन रोटी को मैंने जो सुबह या शाम को लगभग 2-3 रोटी अक्सर बच जाती है उन्हें मैंने घर में ही एक थाली में 3 से 4 दिन तक सूखा कर रख दिया है। और ये देखिए, इसके इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून तेल। तेल गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे जीरा, करी पत्ते। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चने की दाल, इन्हें अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च, इन्हें भी तेल में अच्छे से तल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे इस तरह से लंबी स्लाइस में किए हुए प्याज। इस तरह से स्लाइस किए हुए प्याज का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इन्हें भी हम इसमें तल लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। आलू को आप ज़्यादा मोटा ना काटें, मीडियम साइज़ में काटें जिससे कि ये जल्दी पक जावे। इन्हें भी इसके साथ प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। अब डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार रखें, अगर आप तीखा खाते हैं तो मिर्ची ज़्यादा रखें, नहीं तो कम। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इन्हें पकने के लिए हम 3 से 4 मिनट तक ढककर रख देंगे जिससे कि ये टमाटर और जो आलू है पक जाए। ये देखिए, टमाटर नरम हो गए हैं और आलू भी पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी और इस पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें जो हमने रोटी के टुकड़े किए थे उन्हें डाल देंगे। ये देखिए, अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। और अब इसमें हम अच्छे से फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, इसे क्रश करके डाल दें। और इसे भी मिलाकर हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट में ये पक जाएंगे। ये देखिए, लगभग इसका पानी सूख चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून घी जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसे भी मिलाकर हम अब इसे लगभग 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ढककर। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे। लास्ट में इसमें हम धनिया ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे धनिया के साथ। तो जब कभी भी अगर रोटी बची हुई हो और घर में कोई सब्जी ना हो तो आप झटपट से ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही ईजी है और लास्ट में इसे सर्व करते टाइम इस पर घी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तन्मया की रसोई से आज आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।